नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लाइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूँ, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो एग्जांपल है वो मिस्टर वेंकट ने हमें भेजा है एंड ये मैंने अपने कैलकुलेटर में उनके डाटा डाल लिए हैं और ये इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यदि आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो। ये हमने अपने कैलकुलेटर में, ये इनकी वेज डिटेल्स हैं, ये 8.33% की डिटेल हैं, ये 1.16% की डिटेल हैं और ये जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने पे किया है। इस तरह हमने शुरू में ही ये सारी चीजें डाल ली हैं। अब हम चलते हैं टेबल वन के लास्ट में। टेबल वन के लास्ट में मतलब ये हमारी टेबल वन है। टेबल वन के लास्ट में चलने का मतलब है कि हमने अपने कैलकुलेटर में सारी चीजें फिट की हुई हैं, सारी चीजें बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे ही हम इसमें डालेंगे, वेज डालेंगे, तो हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि हमारा कितना नंबर 30 नवंबर 2020 को ये रिटायर हुए हैं और 30 नवंबर 2020 को यदि ये हम टेबल वन के लास्ट में आ गए और हम देखते हैं कि इनका मार्च 2024 तक की हमने डिटेल बना दी है इनकी। ये इनका वेज है, ये 8.33% है, ये 1.16% इनको जमा करना है, ये ऑलरेडी जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो है और ये प्रेजेंट 8,88,934 रुपए ही हैज टू पे। ये दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट बट विद इंटरेस्ट इट इज 20,56,035 रुपीज अप टू द डेट 31st मार्च। दिस इज 31st मार्च। तो 31st मार्च तक इनको 20,56,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ये हमने टेबल टू में इसी जो हमने ऊपर बताया इसी की समरी एक डिफरेंट वे में मैंने बना दी है, ये समझने के लिए कि जब आप इसको, जिनकी ये टेबल है वो निकालेंगे इसको और समझने का प्रयास करेंगे तो उनको समझने में आसानी होगी। टेबल थ्री में हमने जो आपके पैसे की वैल्यू है, जो आपने पैसा जमा किया है, ये पैसा जो ईपीएफओ में जमा किया 95 से, उसके आपके पैसे की वैल्यू क्या है, आपने पैसा कितना जमा किया है और उस पैसे की वैल्यू क्या है ईपीएफओ के अंदर आज की डेट में विद प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट, विद ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट रेट है। देखिए, यही इंटरेस्ट रेट आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो उन्होंने हमें ईपीएस पे दिया है, ईपीएफ पे दिया है, वही इंटरेस्ट, तो उसी इंटरेस्ट पे हमारे पैसे की वैल्यू है ना सारी, तो इसलिए हमने इस पैसे की वैल्यू कैलकुलेट की है। और ये जो टेबल थ्री की वैल्यू आती है, ये टेबल थ्री की वैल्यू हमें नीचे हम देखेंगे। इससे पहले हम एवरेज निकालते हैं इनके 60 महीने का एवरेज क्या होगा। चूंकि ये नवंबर 30 को रिटायर हुए हैं इसलिए नवंबर 30 से ही हम इनका पिछले 60 महीने का एवरेज ले लेंगे। लोग देखिए, मेरे मैं एक बात में थोड़ी सी कड़वी सी कहना चाहता हूं कि हम लगभग 150 वीडियो बना चुके हैं और यदि सबने मेरे वीडियो देखे हैं, यदि आपने नहीं भी देखे तो हर वीडियो में मैंने ये बताया है कि आपको एवरेज कैसे निकालना है, 12 महीने का एवरेज कैसे निकालना है और 60 महीने का एवरेज कैसे निकालना है। लेकिन फिर भी अभी भी लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि एवरेज कैसे निकालना है। तो इनका एवरेज हमने ये निकाल लिया है। अब हम इसको जब पेंशन में यूज करेंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब रिकवरी ऑफ ईपीएस पेंशन, प्रेजेंट पेंशन से आपकी जो रिकवरी है, आपका जो अमाउंट होता है, जो टेबल थ्री इस टेबल के लास्ट में अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 7,49,645 और 38,376 ये इनकी पेंशन है। और यदि मैं 8.2% इंटरेस्ट मान लूं, ये किस लिए 8.2% इंटरेस्ट, देखिए यदि आप आज की रेट में जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें आप 30 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आपके पैसे पे 8.2% इंटरेस्ट मिलेगा सीनियर सिटीजन होने के नाते। तो वही पैसा आज की डेट में लगभग 7.5 लाख जो आपका ईपीएफ में जमा है, इसकी जो वैल्यू है यदि आप 8.2% पे देखें तो हम देखेंगे कि ये कभी भी रिकवरी इसकी नहीं होगी, क्योंकि पेंशन आपकी
3876 है और आपका इंटरेस्ट ही हर महीने का 5000 रुपए से ज्यादा है, तो इस तरह इसकी कभी भी रिकवरी नहीं होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये रिकवरी कितने महीने तक करके देखी है, 275 महीने तक भी हमने इसको कैलकुलेट करके देखा है, 275 महीने तक भी ये उल्टा अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। और ये इसमें हमने देखा टेबल 3 का एंड भी यही है, टेबल 4 का एंड ये है, टेबल 5 का एंड ये है, टेबल 3 के एंड में हमने ये देखा कि आपका जो पैसा जमा है, आपका देखिए मूल पैसा प्रिंसिपल अमाउंट 2,06,877 रुपए है, ये आपका उसमें जमा है। और आपका इस पैसे की वैल्यू जो ईपीएफओ का इंटरेस्ट है पिछले 20 सालों का या 25 सालों का, उसके हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू 7,49,645 आती है, क्योंकि हमें इस पैसे की वैल्यू मान के चलेंगे। और ये ईयरली कंपाउंड है, जो लोग बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पैसे की वैल्यू 30 लाख है, 40 लाख है, कुछ 26 लाख बोलते हैं, कुछ 20 लाख बोलते हैं, तो ये सब गलत है। आपके पैसे की वैल्यू, क्योंकि हमें ईयरली इंटरेस्ट ही लगाना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा लेंगे तब भी ये 40,000-50,000 रुपए बढ़ जाएगी, क्योंकि साल भर का कंपाउंड तो हम कर ही रहे हैं। हम यदि ट्राई मंथली, यदि हम 3 महीने में कंपाउंड भी करेंगे तब भी 1-2 लाख रुपए बढ़ सकते हैं इसके, तो इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए हमारे पैसे की जो वैल्यू है ईपीएफओ के अंदर वो 7.5 लाख रुपए है। अब हम आते हैं इनकी पेंशन पे, अब हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करेंगे। 1 दिसंबर 1962 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 3 मार्च 88 को इन्होंने ज्वाइन किया था, 7.71 ईयर्स इन्होंने फैमिली पेंशन स्कीम में काम किया है, तो उसके बदले इनका 85 रुपीज कंपनसेशन होगा, और जो ओल्ड पेंशन इनको मिलेगी वो मिलेगी 605 रुपए, क्योंकि 26 साल के लिए लगभग 25 से ज्यादा और 26 साल इन्होंने ईपीएस में सर्विस की है, उसका जो फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है 7.117, तो इस तरह इनकी 605 रुपए पेंशन बनेगी। अब हम देखते हैं इनकी, ये रही एफपीएस की पेंशन, अब हम देखते हैं इनकी प्रेजेंट पेंशन कितनी बनती है। ये 730 दिन बोनस के दिन हुए, ये 9000 डेज टोटल डेज हुए, 9140 और इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हम 2014 से पहले, 1 सितंबर 2014 से पहले के जो डेज हैं वो हमने लिए 6864। देखिए हर वीडियो में हम बताते हैं कि हम 6864 डेज लेते हैं, लेकिन ईपीएफओ इन्हीं डेज को 6856 डेज लेता है, और इससे 1 या 2 रुपए का फर्क पड़ जाता है, कभी 1 रुपए का कभी 2 रुपए का। तो इस तरह इनकी जब हम पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारी पेंशन कैलकुलेट होकर आती है इनकी 3877 रुपए, 3877 रुपीज। लेकिन इनको जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन मिल रही है 3876, यानी आप इससे हमारी पेंशन की एक्यूरेसी देख सकते हैं, हमारे सारे डेटा की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि हमारा डेटा कितना मैच कर रहा है। ये हमने एवरेज कैलकुलेशन किया था पीछे, जो 60 महीने का एवरेज है वो 98,519 आया इनका ऊपर टेबल 4 के अनुसार, और 605 रुपए इनकी पुरानी पेंशन है। तो इस तरह हम जब इनकी 60 महीने की पेंशन कैलकुलेट करते हैं 60 महीने के हिसाब से, तो इनकी पेंशन आती है 38,686 रुपए, 38,686 रुपीज। और प्रोरेटा यदि कैलकुलेट करेंगे, देखिए पिछले वीडियो में, इससे पहले हमारे जितने भी वीडियो रहे हैं उनमें हमने 2 प्रोरेटा लिए हैं, 1 2014 से पहले के लिए और 1 2014 से बाद के लिए। लेकिन अब मेरा मानना यह है कि चूंकि हमें 2 साल का जो बेनिफिट मिलता है वो पुरानी सर्विस को भी जोड़ के मिलता है, इसलिए वो एक ही प्रोरेटा सफिशियंट है, एक ही प्रोरेटा हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 2014 से पहले ही बेनिफिट मिलेगा। जो लोग सितंबर 94 के बाद ज्वाइन किए हैं उनको बेनिफिट इसका बाद में मिलेगा, ठीक है जी, केवल सितंबर 94 के बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं, जो सितंबर 94 से पहले के लोग हैं उनको पहले मिलेगा। तो ये पहले के हैं इसलिए इनको पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो इनकी पेंशन कैलकुलेट होकर आती है प्रोरेटा पे 27,671 रुपए। अब यदि हम प्रेजेंट पेंशन, इसमें आप एरियर कैलकुलेट करने के उद्देश्य से इफेक्टिव पेंशन कितनी हुई, 34,810 इसमें 60 मंथ में, और प्रोरेटा के हिसाब से 23,775। इफेक्टिव पेंशन हमने क्यों लिखी है,
इफेक्टिव पेंशन हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हम इसमें एरियर कैलकुलेट करेंगे। एरियर कैलकुलेट करने के लिए भाई पुराना एरियर कैलकुलेट करना है तो आपको पुराना ही पेंशन का अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। उसमें से मतलब प्रेजेंट पेंशन घटानी पड़ेगी, और प्रेजेंट पेंशन हम घटा देंगे तो एरियर इस अमाउंट का मिलेगा आपको। अब हम चलते हैं इनके एरियर कैलकुलेशन की तरफ। एरियर कैलकुलेशन मतलब आपको जितनी पेंशन आप ले रहे हो वो आपकी जो पेंशन बन रही है उसमें से उसे घटा दीजिए, जो हमने यहां निकाला है उसको। पेंशन घटाने के बाद में आपकी जो आती है वो 34,810 और प्रोडेटा में 23,795 और इस तरह है, और 3876 आप प्रेजेंट पेंशन ले रहे हैं, यानी आपका एरियर कितना बनेगा ये आप हम टेबल 7 के लास्ट में चलते हैं। टेबल 7 के लास्ट में हम चल के देखते हैं कि जो आपका एरियर है वो 60 महीने वाला बनता है 13,92,400 रुपए एंड 9,51,800 रुपए बनता है प्रोरेटा बेस पे, और 1,55,040 रुपए बनता है आपका जो आपकी प्रेजेंट पेंशन ले रहे हैं आप उसका। तो इस तरह हम फाइनल टेबल टेबल 8 में हम इसकी समरी देखते हैं जो 60 महीने वाला है उसमें उसमें जब हम समरी देखेंगे तो 20,56,035 रुपए आपको जमा करने हैं। ये आपने देखा आपके पैसे की जो वैल्यू है जमा है वो 749,645 है। इस तरह 28,05,680 रुपए आपके ईपीएफओ में जमा हैं। जमा केस में चाहे 60 महीने का हो प्रोरेटा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम वसूली की बात करेंगे तब फर्क पड़ेगा। तो 60 महीने के केस में हम देखेंगे कि 1,55,040 तो हमें प्रेजेंट पेंशन का एरियर मिल चुका है अभी तक, यानी प्रेजेंट पेंशन मिल चुकी है। 13,92,400 रुपए हमें एरियर मिल जाएगा। किसका एरियर मिल जाएगा? जो हमारी 2020 से नवंबर 2020 से आप रिटायर हुए हैं, यानी दिसंबर से जो एरियर मिलेगा वो एरियर मिल जाएगा। इसी तरह प्रोरेटा के केस में आपको 9,51,800 पर एरियर मिल जाएगा, और आपकी जो रिकवरी होगी जो अमाउंट बचेगा आपका वो बचेगा, देखिए इस पैसे को लेने के बाद आपका अमाउंट बचेगा 12,58,240 रुपए, और प्रोरेटा के केस में 16,98,000 यानी लगभग 17 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए का फर्क पड़ रहा है प्रोरेटा और 60 मंथ से। ये निहायत ही गलत होगा यदि ऐसा होता है तो। अब आपकी पैसे की रिकवरी कब होगी? पैसे की रिकवरी यदि हम सीधे सीधे बात करें तो 33 महीने में, यदि हम सीधे डिवाइड कर दें पेंशन से तो होती है 33 महीने में और 61 मंथ्स में दोनों केस में। लेकिन यदि विद इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, यानी 8.2% आप जो इंटरेस्ट जो सीनियर सिटीजन स्कीम पे 8.2% में इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें 36 महीने के केस में वो 60 महीने के केस में 36 महीने में और प्रोरेटा में 79 मंथ्स में आपकी रिकवरी जाके होगी। ये 79 मंथ्स में कैसे होगी ये हमने टेबल 9 में कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम टेबल 9 की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमने ये किस तरह कैलकुलेट किया है। देखिए ये आपका अमाउंट है जिसको आपको 12,58,000 जिसे आपको लेना है, 38,686 रुपए ये आज की रेट में आपकी यानी मार्च 2024 के बाद आपकी बढ़ी हुई पेंशन होगी। तो इस तरह हम 8.33% अमाउंट देखते हैं। तो इस ये ईयरली इंटरेस्ट हमने किया है, ईयरली इंटरेस्ट एवरी ईयर अप्रैल में यानी मार्च तक का इंटरेस्ट हम ले लेंगे, तो एवरी ईयर अप्रैल में हम देखेंगे कि हमने एवरी ईयर इसको इंटरेस्ट वो कंपाउंड किया हुआ है इंटरेस्ट को, और कंपाउंड करने के बाद जब हम देखते हैं तो 60 महीने वाली जो आपकी पेंशन है यदि वो लागू होती है तो उससे रिकवरी आपकी 36 महीने में, ये 36 महीने में हो जाएगी, और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो बहुत अंतर आता है, तो आपकी 79 मंथ्स में जाके फिर ये कैलकुलेट आपका 79 मंथ्स में जाके आपकी रिकवरी पूरी कंप्लीट हो पाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।